नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की, खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो आज सबसे पहले सत्ता हाथ से फिसलने के 2 साल बाद भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी तरह का सबक नहीं लेने, गुटबाजी और अंतरकलह खुलकर नजर आने वाली खबर की छानबीन करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में पदस्थ आईएएस अफसरों में से 81% के पिछले साल तबादले करने वाली खबर की खोजबीन की जाएगी। फिर राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्षों के खाली पड़े पदों के चलते प्रकरणों की पेंडेंसी बढ़ने वाली खबर की जानकारी देंगे। और इस प्रोग्राम के अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स के नंबर 1 पर रहने का किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा हालातों को देखकर तो यही कहा जाएगा कि सत्ता हाथ से फिसलने के 2 साल बाद भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसी भी तरह का सबक नहीं सीखा। कांग्रेस नेता एकजुट होने के बजाय आज भी बिखरे हुए दिख रहे हैं। जब नेता बिखरे हुए हैं तो कार्यकर्ताओं का एकजुट होना तो बहुत दूर की कौड़ी है। वैसे भी कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वहां पार्टी के नहीं नेता के कार्यकर्ता होते हैं। नेता के साथ कार्यकर्ताओं का भी पलायन होता है, जबकि इसके उलट भाजपा में कार्यकर्ता पार्टी का होता है। कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद भी सभी नेता एकजुट नहीं हो पाए, जबकि सबक सीखकर एकजुट होना था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की राह अलग है तो दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के रास्ते भी जुदा जुदा हैं। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह के धरने को फेल कराने के आरोप कमलनाथ पर लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करवाने का समय भी कमलनाथ ने ही दिलवाया। कांग्रेस ने सूबे में अपनी सरकार जाने की दूसरी बरसी पर 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया था। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता उस हॉल को भी कार्यकर्ताओं से पूरा नहीं भर पाए जहां यह आयोजन हो रहा था। भाजपा ऐसे किसी भी आयोजन पर कार्यकर्ताओं की खचाखच भीड़ इकट्ठा कर देती। विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में 2023 में होना है, इसके लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेसी अब एकजुट नहीं हुए तो आखिर कब एकजुट होंगे? कांग्रेसियों ने 1 साल कोरोना की आड़ में सन्नाटे में ही बिता दिए, जबकि भाजपा ने इसी अवधि में इतने कार्यक्रम किए कि कार्यकर्ता और नेता बूथ तक पहुंच गए। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जनता की समस्याओं से रूबरू होने और उनकी आवाज उठाने गांव और कस्बों का दौरा करते थे। तब कमलनाथ मंत्रालय में बैठकर हंसी उड़ाते थे, कहते थे कि ये सब काम तो अफसरों का है, लेकिन वे ये सबक नहीं ले पाए कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उसका निराकरण करना ही शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की खूबी है। इसका कांग्रेस के पास फिलहाल कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। मुद्दों को समझना और उसे उठाना भाजपा बेहतर तरीके से जानती है। कांग्रेस मुद्दों पर औपचारिकता निभाते हुए शांत बैठ जाती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ यात्रा और दौरे से दूरियां बनाए रहते हैं। इसके उलट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे। विधानसभा के बजट सत्र में भी कांग्रेस बिखरी नजर आई, गुटबाजी और अंतरकलह खुलकर दिखी। राज्यपाल के अभिभाषण का एक तरफा बहिष्कार कर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी अलग थलग पड़ गए थे। पार्टी ने उनके इस निर्णय को निजी बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था। इतना ही नहीं, विधानसभा का सत्र जल्दी समाप्त होने के मुद्दे पर भी कांग्रेस के नेता जुदा जुदा नजर आए। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। प्रवीण जी, सरकार की बलि चढ़ने के 2 साल बाद भी कांग्रेस किसी तरह का कोई सबक नहीं सीख पाई, ऐसा लगता है। जो कांग्रेस की हाल है, जिस तरह की कार्यप्रणाली है, उसको देख के यही लगता है, क्या कहेंगे आप? ये उमेश जी, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आज 2 साल का अगर आप अवलोकन करेंगे, पूरा उसका देखेंगे, 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस का विपक्ष के तौर पे, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म होते हुए लगातार गलती नजर आ रही है कि किसी तरह से गल रही हो, एक एक चीज उनके हाथ से निकलती जा रही, तरह हाथ से सरकार निकली, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने सबक नहीं लिया, उनके और विधायक गए हाथ से,
और उन सीटों को हारे भी हैं। ऐसा नहीं कि जीते, केवल दमोह को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगह उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर धीरे धीरे उनके और कार्यकर्ता छिटक रहे हैं। अगर आप कोरोना की बात करेंगे, पिछले दो सालों में बात करें तो कांग्रेस के कार्यालय के ताले नहीं खोले कई महीनों तक, केवल झाड़ू पोछा करने वाले कर्मचारी आते थे, एक भी उनका पदाधिकारी वहां नहीं आया, कई अधिकांश कमरे सूने पड़े रहे। तो ये स्थिति साल भर तक रही, जैसे कोरोना का पूरा भय, पूरा डर और पूरा संक्रामक जो है कांग्रेस पर ही आया था। और आप अगर संगठन की बात करें तो लगातार बिखराव दिखता जा रहा है और बिखराव बढ़ता जा रहा है। जो दो साल पहले सरकार जाने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा था, जरूरत इस बात की थी कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और दूसरे जो सीनियर लीडर है उसकी भरपाई करते, मैदान में उतरते, कार्यकर्ताओं के बीच जाते, बकायदा यात्रा निकाली जाती है, जैसे भाजपा करती रही है, लोगों के बीच में जाके अपनी बात करते। इसकी बातें उन्होंने खूब कही, घोषणाएं करी कि हम जनता के बीच जाएंगे और भाजपा का चेहरा उजागर करेंगे, लेकिन घर के बाहर नहीं आ पाए। जनता के बीच जाने की बात तो बहुत दूर की बात है, चाहे कमलनाथ जी हों या दूसरे नेता हों, छोटे छोटे विधायक तक अपने अपने क्षेत्रों में नहीं घूमे। तो मुझे लगता है कि ये इसी का परिणाम है कि आज विधानसभा में चाहे बात करें आप, चाहे सदन की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, सब जगह कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है। अपने उनके जो विधायक हैं, उनके जो बड़े लीडर हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए और एक दूसरे पे कमेंट्स करने लगे हैं, आज एक दूसरे पे उंगली उठाने लगे हैं। तो अगर यही स्थिति रही, जो आपने बात कही कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और अभी तक कोई तैयारी में कांग्रेस नजर आई है, ये स्थिति और पक्ष अगर कंपेयर करेंगे तो स्थिति और ज्यादा खराब नजर आएगी। कांग्रेस और भाजपा के बीच में आज बहुत बड़ी खाई दोनों के बीच में नजर आ रही है। जनता से जुड़ने का कोई प्रोग्राम आज भी कांग्रेस न बना रही है और न जनता के बीच पहुंच रही है। प्रवीण जी, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यही हाल रहा तो 2023 का चुनाव नजदीकी है, उसमें कोई खास परफॉर्मेंस लगता नहीं कि दिखा पाएंगी कांग्रेस? देखिए, 2018 का चुनाव था, वहाँ केवल 4-6 सीटें कम पड़ गई थी इनको सरकार बनाने के लिए, जो कि पुनर्जली के दम पे सरकार बनाई थी। सरकार गिर गई, अपने लोग गए, उनके वजह अंदर से ही निकली थी, वजह बाहर से नहीं आई थी। अब चुनाव में जाना है आपको, और ये बजट आज देखा होगा आपने, वो देखा ही होगा निश्चित रूप से, तो वो पूरा चुनावी बजट सरकार का नजर आया है। मतलब सरकार भाजपा जो है इलेक्शन मोड में आ चुकी है, संगठन के रूप में भी और सरकार के रूप में भी। दूसरी तरफ कांग्रेस आज अपने आप से ही जूझ रही है। आज उनके विधायक जीतू पटवारी की आप बात कर रहे हैं, जो सदन में अकेले हो गए बहिष्कार करके राज्यपाल के अभिभाषण का, और जो जल्दी सत्र खत्म हो गया उसको लेकर ये सवाल उठे, आज वही जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं को सबक दे रहे हैं कि अगर यही संघर्ष नहीं किया 20 साल और संघर्ष करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई गैप, संवादहीनता आपस में बहुत ज्यादा हो गई है। अरुण यादव अपनी ढपली अपना राग गा रहे हैं, अभी उन्होंने होली मिलन समारोह किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि अब दौरा करेंगे, तो उसमें लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कहीं भी कांग्रेस शामिल नहीं दिखी। दिग्विजय सिंह अपनी बात कहते हैं, लोगों को फटकारते हैं कि साहब अगर यही हाल रहा तो। दूसरे नेता भी आज जो है सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर रहे हैं कांग्रेस को लेके, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति अभी आज की डेट में आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। और यही हालत रही तो आप पहले अपने संगठन को खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद आप जनता के बीच में जा पाएंगे, और जनता उसको कितना स्वीकार करेगी, उन चेहरों को कितना स्वीकार करेगी, और आपकी जो नाकामियां हैं वो जनता को भारी दिख सकती है। उस पर आपकी घोषणाएं जो आप करेंगे, जो आप वादे करेंगे उनकी तुलना में, तो मुझे लगता है कि अगर अभी जल्दी नहीं खड़ी हुई, जल्दी नहीं संभरे, तो काफी आगे नुकसान जाके उठाना पड़ेगा नुकसान आगे। प्रवीण जी, जिस तरह 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया था चुनाव में पार्टी को, और पूरी सारी हर मोर्चे पे उन्होंने सर संभाला था, क्या लगता है आपको कि 2023 के जो चुनाव होंगे उसमें भी कमलनाथ उतना ही सपोर्ट कर पाएंगे? हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, लेकिन जितना 2018 में किया था, क्या उसी हिसाब से या उसी तरीके तौर तरीके से काम कर पाएंगे? देखिए, अभी तक जो दो सालों में सरकार जाने के बाद से कमलनाथ जी की जो आक्रामकता है, जो उनकी एक्टिविटी है, वो सारी मतभेद से ज्यादा दिल्ली और दूसरे राज्यों में ज्यादा दिखी है। कांग्रेस का जो
मैनेजमेंट का काम उनके हाथ में है, दूसरे राज्यों तक फैला हुआ है, उस पर ज्यादा उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ वो पल छोड़ने को तैयार नहीं है, मध्य प्रदेश छोड़ने को तैयार नहीं है, लगातार कहते रहे कि मध्य प्रदेश से नहीं जाऊंगा। वो हाईकमान तक से अपनी इस भावना से उनको जो है बता चुके हैं कि संकेत दे चुके हैं साहब मैं मध्य प्रदेश में ही जाऊंगा। तो अगर रहना है तो, लेकिन जो तरीका अपना रखा है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद देख रहे हैं कि आखिर ये कौन सा पद छोड़ेंगे, और आज अंदर से ही आवाज उठने लगी है जिस तरह जल्दी